तो गाइस यार मेरे पास आ चुका है नथिंग पून 2। आज हम लोग इसके अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे यार नथिंग वालों ने इसके अंदर क्या क्या डाला है, वो क्या क्या नहीं डाला हुआ। यार एक बात मैं कहता हूँ आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले, ये मेरा फर्स्ट नथिंग का स्मार्टफोन है, और ना कि नथिंग का दूसरा स्मार्टफोन है लेकिन मेरा फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसकी आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन यार मैं हैरान कुछ इस तरह हूँ ना, ये स्मार्टफोन किस वजह से लॉन्च किया गया है यार, इसमें क्या सोच के लॉन्च किया गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा यार, इसे छोड़ो। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, जिगरा भरा होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे जिगरा भर होने के सब्सक्राइब के साथ क्या तारुक, देखिए गाइस जब आप लोगों का जिगरा भर होगा तभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, और ना कि जब आप लोगों का जिगरा छोटा होगा तब तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं मेरे वीडियो में कहता रहता हूँ ना यार कि जिगरा भर होना चाहिए। मैं हैरान इस बात पर हूँ ना कि ये कंपनी का जो नेम है ना नथिंग हो, मतलब कुछ ही नहीं, लेकिन यार क्या मतलब कुछ नहीं, नथिंग यानी कुछ भी नहीं यार, कैसे कैसे स्मार्टफोन के नेम आ रहे हैं यार। खैर एनीवे जो भी है, इस स्मार्टफोन में जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है ना, मैं अपनी बात करूँ आप लोगों की नहीं, मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है वो है इसमें लाइट्स हो, लाइट्स की वजह से ये स्मार्टफोन जो है बहुत ज़्यादा सेल होता है ना यार। अब मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ ना, बॉक्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसमें चार्जर नहीं है। हाँ ये सच है क्योंकि इसमें हमें चार्जर देखने को नहीं मिलता, और हाँ रोबोटिक टाइप का बॉक्स है यार, रोबोटिक टाइप का हमें ये बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स में तो आप लोगों को सब कुछ पहले से ही दिख गया होगा, तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये रहा नथिंग का स्मार्टफोन हो। और तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ मैनुअल वगैरह यानी कुछ किताबें वगैरह देखने को मिल जाती है, जिन्हें मैं साइड में कर देता हूँ। टाइप सी टू टाइप सी हमें इसमें केबल देखने को मिल जाती है वाइट कलर की यार, जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है यार। अगर आप लोग इसकी क्वालिटी देख कर ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इसकी क्वालिटी जो है हमें बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। बॉक्सी लुक है स्मार्टफोन का, अगर आप लोग स्मार्टफोन का लुक देखें तो हमें बॉक्सी लुक देखने को मिल जाता है। लाइट्स को देखकर इस तरह लग रहा है कि इसमें हमें 8GB देखने को मिलता है, लेकिन यार इसमें हमें 8GB देखने को नहीं मिलता, इसमें जो है सिर्फ व्हाइट कलर की लाइट ही देखने को मिल जाती है। अगर व्हाइट कलर का जो स्मार्टफोन है उसमें अगर ब्लैक लाइट होती तो ज़्यादा अच्छा होता, हालांकि ब्लैक लाइट नहीं होती फिर भी ये लोग कुछ जुगाड़ वगैरह कर लेते, और ब्लैक में जो है व्हाइट लाइट होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और क्या पता फ्यूचर में हमें इसमें 8GB देखने को मिलता है, लेकिन यार फिलहाल इसमें हमें 8GB देखने को नहीं मिलती, हमें सिंपल सी व्हाइट कलर की लाइट ही देखने को मिल जाती है। ये स्मार्टफोन जो है हमें मेटल के फ्रेम के साथ देखने को मिल जाता है। फ्रंट डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ ना यार, तो 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिल जाती है। अगर एमोलेड के बजाय अगर सुपर एमोलेड होता तो ज़्यादा अच्छा होता, फिर भी एमोलेड है तो ये भी अच्छी चीज़ है। 120 हर्ट्ज़ को ये सपोर्ट करती है, वो जो कि 1600 निट्स तक की ब्राइटनेस हमें इसमें देखने को मिल जाती है। फ़ोन जो है हाथ में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, कि लगे भी क्यों नहीं जब स्मार्टफोन इतना बड़ा जो है, आप लोगों को पता नहीं अंदाज़ा लग रहा होगा भी या नहीं, लेकिन स्मार्टफोन जो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर हमें इसका फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, यानी आगे हमें इसका फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, और हाँ इसमें जो है मुझे 4700mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि वो भी अच्छी चीज़ ही है। वहाँ ये स्मार्टफोन जो है डुअल सिम को सपोर्ट करता है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर में यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है, प्रोसेसर अच्छा है भी ये, और साथ ही साथ में ये प्रोसेसर जो है बहुत ज़्यादा हमें महंगा भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसमें सॉफ्टवेयर की बात करूँ, इसमें जो है मुझे एंड्रॉयड 13 मुझे इसमें सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। बैक में डुअल कैमरा सेटअप मुझे इसमें देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा की बात करूँ तो मेन कैमरा जो है 50MP का हमें इसमें मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ में 50MP का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल जाता है। रहने नथिंग वाले ने यह काम अच्छा की कि और स्मार्टफोन की कंपनी की तरह इसमें हमें डेप्थ कैमरा नहीं दिया, अल्ट्रा वाइड है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन डेप्थ कैमरा जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं होता। LED फ्लैश लाइट भी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। इसी के अलावा ये स्मार्टफोन जो है 45W वायरलेस चार्जर को भी सपोर्ट करता है, और अगर मैं ये बात करूँ इसमें जो है 3.5mm जैक अवेलेबल देखने को नहीं मिलता। इसी के अलावा नथिंग वालों ने इसमें दो कलर्स को लॉन्च किया है, एक है ब्लैक एक है सफ़ेद, काला ते चिट्टा दोनों कलर इसमें लॉन्च किए गए हैं, ब्लैक एंड वाइट। आप लोग जो सा कलर बाय करना आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कलर को ऑप्शन आप लोगों को यानी दो कलर्स का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आप लोगों ने बाय करना हो तो। लेकिन यार मसला कुछ इस तरह है ना, इसका जो CEO है ना नथिंग फोन का जो ओनर है ना, वो मेरे ख्याल में
वो पहले वन प्लस के साथ काम करता था, लेकिन इन लोगों का आपस में कुछ लेन देन कुछ खराब होगी, जिस वजह से उसने अपने लिए एक अलग फैक्ट्री बना ली, जिसको आज बना दिया गया है नथिंग का नाम दे दिया गया, यानी ये स्मार्टफोन जो की कंपनी जो है आज बहुत ज़रा तेजी से ग्रो कर रही है। इसी क्लास में जो है मुझे 3 वेरियंट अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। अगर सबसे पहले वेरियंट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले वेरियंट मुझे इसमें मिलता है 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, यानी 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। अगर सेकंड हैंड वेरियंट की मैं बात करूँ तो सेकंड हैंड वेरियंट मुझे इसमें मिलता है 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, यानी 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। और अब बारी आती लास्ट हैंड वेरियंट की, अगर इसमें मैं लास्ट हैंड वेरियंट की बात करूँ तो लास्ट हैंड वेरियंट मुझे इसमें मिलता है 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, यानी 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। अब वो वक्त आ चुका है जिसका आप सब लोगों को बाजार में तब से इंतजार था, इसकी प्राइस को बताने से पहले मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों ने स्मार्टफोन बाय करना हो तो आप लोग दपाक अनबॉक्स को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ये स्मार्टफोन आप लोगों को मिल जाएगा। हालांकि डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, स्कैम में से बचे आजकल जो है मतलब फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए आप लोगों ने बाय करो तो दपाक अनबॉक्सर को साथ ही रब्ता कीजिएगा, यानी मेरे डीलर के साथ बात कर लीजिएगा, वो आप लोगों को ये स्मार्टफोन दे देगा अगर आप लोगों ने बाय कर रहा हो। और हाँ, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस मुझे मिलती है 1,24,999 रुपीज़, 1,25,000 के आसपास मुझे प्राइस देखने को मिल जाती है। हालांकि इसके अंदर जो तो फंक्शन जो फीचर है वो 1,25,000 से बहुत ज़्यादा हमें ऊपर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यार नथिंग वालों तो इस बार कमाल ही कर दिया। खैर एनीवे जो भी है तो बस आज की वीडियो में रन कर तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक ठोक दें, मैं सब मिल लो अगली वीडियो में किसी चैनल बॉक्स में वीडियो, तब तक के लिए बाय।